हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए आप सबके साथ लाइव जाने वाली थी, लेकिन सॉरी स्टूडेंट, जब मैं वहां पर लाइव गई और मैंने देखा कि वहां का जो क्राइटेरिया था वो था 1000 सब्सक्राइबर का, तो मैं आप सबसे पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में जब मेरे 1000 सब्सक्राइब कम्प्लीट हो जाएंगे तो मैं आप सबके साथ लाइव सेशन ज़रूर लूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टॉपिक विच इज़ मोडाल। सबसे पहले जो हमारा जो मोडाल्स है हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो उस प्रॉपर जो वर्ड है हमारा उसका मीनिंग पता होना चाहिए। एक्चुअली में जो हमारा मोडाल्स है वो होता क्या है। मोडाल्स मतलब कोई मॉडल नहीं है, अगर आप देखने देख लिया कि मॉडल है, नहीं। मोडाल्स का मतलब क्या होता है, इट शोज द कनेक्शन ऑफ द अनदर वर्ब एंड इंडिकेट्स द टेंस और मोड। अगर हम इसके बारे में बोले कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको जो प्रॉपर वर्ड है हम उसको पहचानेंगे कैसे, लाइक इसमें क्या आ जाता है, पॉसिबिलिटी आ जाती है। सेकेंड वन जो है हमारे वो आ जाता है परमिशन। थर्ड वन जो आती है हमारे क्या आ जाते हैं, सजेशन, कैपेसिटी, नेसेसिटी, अनेथरी थिंग्स जो आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, हमने मोडाल्स वर्ड को जान लिया, लेकिन उसमें ये जान लिया कि इसमें की टर्म्स क्या होते हैं ये भी पता चल गया। सेकेंड वन जो है हमारा ध्यान रखना है कि हमें इसमें आएंगे क्या क्या, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आएगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड टू, ऑट टू, डेयर टू, ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो मोडाल्स में आएगी। अगर हम देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैन के बारे में बात करते हैं, कैन का मतलब होता है क्या कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, यानी कि आई कैन डू दिस वर्क। अगर हम कैन जो यूज़ करें, सबसे पहले जो कैन की जो क्राइटेरिया होता है वो क्या आता है कि परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। मे भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कैन भी यूज़ किया जाता है। इन दोनों में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सबसे पहले जो मेन बात है, कैन, अगर हम किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कैन आई टेक योर पेन, तो ऑफकोर्स अगर आपकी फ्रेंड होगी तो आपको मना नहीं करेगी। अगर ऑफकोर्स मना भी कर देती है तो आप सब उससे ले ही लोगे। अगर सेकेंड वन जो हमारा है मे, अगर आप अपनी फ्रेंड से परमिशन नहीं मांग रहे और मान लें किसी अथॉरिटीज एरियाज जो है, या फिर प्रिंसिपल हैं, मैम हैं, जो आप जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जो किसी हाई पोस्ट पर बैठी हुई हैं आपसे, लेकिन अगर आप उनसे पूछते हो, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पर्सन पूछते हैं कि मे आई कम इन, ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपकी मैम पे डिपेंड करता है कि वो आपको परमिशन देंगी या नहीं देंगी। तो ये सारी चीज़ें लाइक जैसे कि मैंने स्टूडेंट अभी आपको बताया था, कैन जो है परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है और मे भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। कैन जो है सिंपल, अगर आप अपने फ्रेंड से ले रहे हैं परमिशन तो उसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन कैन जो है वो एक और चीज़ में यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये बताना है कि आई कैन अपलिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब आई कैन स्पीक फॉर लैंग्वेजेस, तो इस चीज़ में भी आप कैन को यूज़ करेंगे। जैसे अगर सिंपल हम बोले कि आई पुश माई लिमिट बिकेज आई कैन, आई कीप गोइंग ऑन बिकेज आई कैन, आई बेटर माई सेल्फ बिकेज आई कैन, आई मस्ट कीप गोइंग ऑन बिकेज आई कैन, आई पुश माई लिमिट्स आई बिकेज आई कैन, आई मेक द वीडियोज बिकेज आई कैन। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि कैन को हम कहाँ कहाँ और कितनी जगह पर यूज़ कर पा रहे हैं। सेकेंड जो मे जो है, मे जो है वो विश के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बड़े बूढ़े जो होते हैं और जो विश मांगते हैं वो क्या बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है तुम बहुत लंबे टाइम तक जियोगे। जो मे है वो वर्ड जो मेन है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, वो पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा। जैसे कि उसका पर्पज़ क्या है कि वो पास हो जाए, किस चीज़ में, इन द सेकेंड टर्म एग्ज़ाम ही में पास, मतलब हो सकता है कि जो सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम आएंगे वो उसमें पास हो जाए। जो कैन है वो एक दो चीज़ में और यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो परमिशन है उसमें भी हमने कैन को यूज़ किया था, क्योंकि अगर हमें अपनी पॉसिबिलिटी शो करनी थी कि आई कैन डू इट, मतलब मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, उस सिचुएशन में भी हमने कैन को यूज़ किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो में हमने क्या देखा कि कैन कहाँ पर यूज़ किया जाता है और मे कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो कैन है उसका पास्ट क्या होगा, कुड। जो मे है उसका क्या पास्ट होगा, माइट। शैल जो है वो प्रेजेंट में, मतलब शैल का जो पास्ट होगा वो शुड होगा। अगर विल जो है जैसे कि जो फ्यूचर में यूज़ किया जाता है, उसका जो पास्ट होगा वो क्या होगा, वुड होगा। यूज़ टू भी जो क्या है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वो भी पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शन होती है जो हमें शो अप करनी होती है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे कि अगर हमने अभी कैन और मे के बारे में डिस्कस किया है और जो हमारे जो पार्ट्स बच गए, लाइक कि शैल का जो है शैल के साथ जो पास्ट होता है वो शुड होता है, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, मे का पास्ट जो होता है वो माइट होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपने आगे जो आने वाली वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। अब मैं आपके लिए जो है इट्स टाइम टू डू वोकैब।
फर्स्ट जो हमारी वोकैब है वो क्या है, स्पॉइल स्पॉट। इसका मतलब होता है कबाब में हड्डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि हाँ तू कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई। हम इसको सिंपली बोले, अगर एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होगा, बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू मार्केट, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्पॉइल स्पॉट गोइंग विद यू। इसका मतलब क्या होगा कि मैं आप सबके साथ मार्केट में नहीं जाऊँगी आप दोनों के साथ, क्योंकि मैं आप दोनों के बीच में क्या नहीं बनना चाहती, कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। दूसरा जो है हमारा वो होगा कैनार्ड। इसका मतलब होता है झूठी अफवाह, यानी कि यू शुड नॉट नीड स्प्रिट द कैनार्ड विदाउट नोइंग ट्रूथ। मतलब आपको बिना सच्चाई जाने कुछ भी झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। सी ए एन ए आर डी, कैनार्ड की हमारी इस पहलू में। सेकेंड थर्ड वन जो हमारा बोले वो होगा आई वॉश। इसका मतलब होता है दिखावा करना। इट्स ओनली आई वॉश, यू नो इट एवरीथिंग, मुझे पता है कि आप सब जानते हो, ये क्या है, एक दिखावा है। लास्ट वन जो हमारा वो होगा आजाद। इसका मतलब होता है आधा खुला हुआ, यानी कि पूरा ओपन नहीं है, आधा खुला हुआ होता है। जैसे हम सिंपली बोल दें कि लीव द विंडो आजाद बिकेज द कोल्ड विंड इज कमिंग, मतलब जो ठंडी ठंडी हवा है वो आ रही है, इसीलिए हम कोल्ड विंड। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो होगा स्पीक हाईली ऑफ। इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा दिखता है तो हम बोलते हैं यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल, तो हम ये ना बोलकर हम बोलेंगे यू आर लुकिंग स्पीक हाईली ऑफ। सेकेंड वन जो है हमारा वो है टैक्टफुली। इसका मतलब होता है बड़ी चतुराई के साथ, मतलब कोई कनिंगली अगर हम कुछ काम करते हैं तो स्पीक हमारा क्या होगा, टैक्टफुली में स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो होगा कि सी ऑलवेज स्पीक टैक्टफुली, वट इज़ द मैटर, कुछ भी मैटर हो तो वो कैसे बोलती है, टैक्टफुली, मतलब बड़े चतुराई के साथ बोलती है। नेक्स्ट जो हमारा वो होगा हेड स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जिद्दी है। जिद्दी के बारे में मैंने आपको और वर्ड्स भी बताए थे, क्या बताए थे, एडामेंट बताए थे। एडामेंट का मतलब भी क्या होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। जिद्दी अगर हम किसी कार्य को लेके कि योर सन इज़ रियली एन ऑब्स्टिनेट, योर सन इज़ रियली अ हेड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जिद्दी के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हेड स्ट्रॉन्ग। Cast off the evil eye, जो हमने यहाँ पर off use किया है वो क्या use करेंगे, O double F off। इसका मतलब क्या होता है कि किसी की नज़र उतारना। Most of the students देखते हैं कि ये जो अगर कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होता है तो उसको नज़र लग जाती है, अगर बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं तो उसको भी नज़र लग जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अब नज़र उतारना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे cast off the evil eye। इसका मतलब होता है wait, let me cast off the evil eye of you, मतलब इंतजार करो मैं तुम्हारी थोड़ी सी नज़र उतार देती हूँ। नेक्स्ट जो है ridiculous thing, ये तो सब स्टूडेंट्स जानते हैं, एवरी स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट दैट। इसका मतलब होता है इट वॉज रिडिकुलस स्टेप टू सिट इन द फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स आफ्टर ड्रिंक, मतलब अगर आप अपनी पेरेंट्स के सामने बैठ रहे हैं क्या करने के लिए, ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक करने के बाद अपने पेरेंट्स के सामने बैठ रहे हैं तो ये क्या है, एक रिडिकुलस थिंग है। नेक्स्ट वन जो हमारा बोले तो वो होगा टेम्प्ट। इसका मतलब होता है बहलाना, यानी कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा बहला देते हैं। आई हैड टू टेम्प्ट चाइल्ड बिकेज ही वॉज इंस्टेड टू ग्रोथ नीडलेस टू वरी, मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई भी बहला नहीं सकता। लास्ट वन जो हमारा होगा रीप ऑफ, यस आर आई पी रीप ओ डबल एफ ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, बेवकूफ बनाना, या फिर ये सिंपल ही बात है कि किसी को बेवकूफ बना दिया गया और उसको लूट लिया गया। हाउ मच इज़ दिस शर्ट, ये सिंपली जो है इस चीज़ के लिए यूज़ किया, जैसे कि आप शॉप वगैरह में जाते हैं और आपको शर्ट दिखाई दी जाती है लेकिन वो एक्चुअली में जो उसका प्राइस होता है वो 200 होता है, लेकिन आपको ये बनाकर बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि 500 बता के आपको 400 रुपीज़ जो है वो लगा दिए जाते हैं और आप बेवकूफ़ बनकर आ जाते हैं। हाउ मच इज़ दिस शर्ट इज़ द रिप ऑफ शॉपकीपर गिवन यू। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सबको ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर साथ में प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू सो मच।